भाई रोल चलो क्वेश्चन करो। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आज भोजपुरी होली मिलन समारोह में आप आए? जी सबको बधाई है, होली एक खुशियों का त्योहार है। मेरी होली थोड़ी फीकी है, आप जानते ही हैं हम दिल्ली में होली नहीं मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अरे प्रदीप भाई आप, लेकिन जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में होली मना रहे हैं तो उनकी खुशियों के लिए शुभकामनाएं है सबको। और वैसे ही एक परिवार है तो इन लोगों ने कहा भैया आया जाना, तो मैं आ गया दिल्ली से। कोरोना से बचने के लिए होली में खासकर क्या उपाय करें लोग, कुछ टिप देना चाहेंगे आपको? देखिए एक तो मेरा कहना है लोगों को ऐसे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि घबराहट ज़्यादा है और जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो घबराने वाले लोग, घबराहट लाने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हाथों को अच्छे से साफ करें, वो सैनिटाइजर वगैरह रखें, थोड़ा सा आपको कहीं लगे कि हम जिनसे हाथ वाथ मिलाए हैं पता नहीं कुछ, या अपना ही हाथ हमारा ही है, कभी छींक आई नाक मुंह साफ करते हुए, तो अपने हाथ से भी किसी को कुछ हाइजीन की समस्या न हो, जिससे कोरोना का जो लक्षण देश के बाहर है उसमें आया है तो उसमें लोगों को अलर्ट रखना है, अपने सफाई पे सावधान रहना है। और बाकी सावधानी रहिए, इसका देश में इसका बहुत कम लक्षण है लेकिन फिर भी जागरूक रहने में क्या दिक्कत है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हलचल इसको लेकर तेज है, कई सारे अस्पताल में आज भी एक चाइनीज व्यक्ति अपने आप को बंद कर लिया था, तो दिल्ली का थोड़ा माहौल बताइए किस तरह का अभी? दिल्ली का माहौल बिल्कुल ठीक है अभी तो, मतलब एक दिल्ली में सिर्फ एक ऐसा कोरोना का वायरस मिला और वो व्यक्ति का भी इलाज हो करके अब वो सुधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने होली नहीं खेलने का फैसला किया, मनोज तिवारी जी होली खेलेंगे कि नहीं? नहीं, हम भी इस बार की होली नहीं खेल रहे हैं, इसे देखिए ना। लेकिन शुभकामनाओं में लोगों के, देश की शुभकामनाओं में, परिवार के शुभकामनाओं में साथ है। किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए विश्वासियों को इस साल की होली पे? अब होली तो होली की सबको शुभकामनाएं, अच्छे से होली खेलिए, दूसरे को तकलीफ ना दे ऐसी होली खेलिए, होली में शांति सद्भाव एकता का भी संदेश हो ऐसी होली जरूर। सर आपकी एक पारंपरिक जो गीत है होली का वो सुना दीजिए दर्शकों को। नहीं अभी तो मैं चूंकि होली नहीं मना रहा हूँ ना, तो मुझसे इस बार तो पवन सुनाएंगे। पवन जी एक कोई पारंपरिक गाना सुनाएंगे। रितेश पांडे ने मुझे इनवाइट किया और पवन बोले भैया जरूर आ जाइए तो आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मालिक जब बोलने पड़े कि होली हम इस बार नहीं मनाएंगे और हमारे भोजपुरी दुनिया के बेताज बादशाह, एक ही नाम है जिसका नाम है मनोज तिवारी, हम लोगों को भी मतलब जब भैया के कलर ना लगा लीजिए आइला के बाद भी तो हम लोग भी थोड़ा सा बचेंगे। नहीं देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि होली के भीड़ में वो नहीं जाएंगे, बाकी देश अपना होली जो मनाता है वो मनाए, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कोरोना वायरस से बहुत लोग आसपास के देशों में, वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं, तो उन्होंने पूरे विश्व समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक संकल्प लिया है और थोड़ा क्राउड में रहने पर मास्क वगैरह पहनने की व्यवस्था है। तो प्रधानमंत्री जी का ही नहीं कहना है कि आप होली ही न मनाएं, उन्होंने विश्व समुदाय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि देखो चाइना में लगभग इससे 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है जी। तो पीएम का वो संदेश है, देश के लोग अपनी होली अच्छे से मनाएं। हम चूंकि हमने होली इसलिए नहीं मनाने का निर्णय लिया कि हमारे दिल्ली में एक हिंसा हो गई है ना, तो उसके कारण हम दिल्ली बीजेपी ने, जो कि पार्टी के लीडर भी हैं हम, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं मनाने का निर्णय लिया।
बाकी देश की होली में सबको शुभकामनाएं। ठीक है, पवन जी की एक गाना अभी यूट्यूब पे 3 दिन तक लगातार, अरे बाबू गाओ हम गाएं कि रितेश 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 सबे गाएं। हाँ गाओ रितेश गाओ, दोनों के गाने में सुने का दिया है वाले। आप सुना थोड़ा सा भाई मोबाइल ले चले। ऐसो रंग दोहरे श्याह ऐसो रंग दोहरे श्याह सारी उम्र रंग ना छूटे ऐसो रंग दोहरे श्याम सारी उम्र रंग ना छूटे ऐसो रंग दोहरे श्याम ऐसो रंग दो ऐसो रंग दोहरे श्याम ऐसो रंग दो ऐसो रंग दोहरे श्याम सारी सारी उम्र रंग न छूटे। मनोज जी आपके साथ लगता है कि डबल हुआ ऐसा। मनोज सर आपके साथ एक और आदमी बैठा है जो आप ही के साथ फिल्म में डेब्यू किया था, कल उनको बेस्ट भोजपुरी विलेन का अवार्ड मिला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ एक डेब्यू लड़का, ये मेरा अयाज छोटा भाई है, मुझे याद है हमारी धरती के पुकार के फिल्म में इसने, तभी ये थोड़ा दुबला दुबला होता था और इस ये अपन बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल के लिए बढ़ा, कल तो कई नाम मिलल, बस आप लोगों का बस प्यार आशीर्वाद से कई तरह से बड़ी सुपरस्टार बा, एक खूब शुभकामना हमारा। थैंक यू थैंक यू। हमारे सबसे एक बात कहल चाहतनी, अरे काजल जॉन हमनी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अगर होली ना मनावे के संकल्प लेले बानी, हमरा ख्याल से वहाँ के जौन होली मनावे में जौन समय व्यतीत होई वो समय के यूज कइल चाहतनी हमरा समझ से कि कोरोना से कैसे लड़ल जाओ, और हमनी के इतिहास रहल बा भारतवर्ष के कि कोनो भी आपत्ति आयल बा विपत्ति आयल बा सब केहू साथे मिल के लड़ल बा और जीतल बा, ए कोरोना से भी हमनी के लड़ल जाई और जीतल जाई। और ये जो मेरा भी भाई है, छोटे हुए हैं अमर उसे, इस भाई को एक्टिंग का जो कीड़ा है ना भैया, हीरो वाला भी कीड़ा है और विलेन वाला भी कीड़ा है, तो मेरे भाई को दो दो अवार्ड मिला है, उसके लिए जय जय हो। लेकिन मेरा भाई हीरो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, नहीं नहीं, और विलेन भी, क्यों मेरे साथ आपने बहुत सारा काम किया है, काम मैंने आपका काम देखा है और देखता हूँ, मुझे जो है मैं खुश हूँ कि जो है नेगेटिव करता हूँ, खुश बानी हम खुश बानी जन बा हम विलन का काम करता नहीं, और मैं रह के कोनो परहेज नहीं के शुरू में आई भैया, जब जब खूब लोग रहे ना तब अपने भाषा बोले के बाद बिल्कुल बस ये जन बा आप लोगों का प्यार बा, आपके पवन भाई के रितेश भाई के बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बन रहे, और हम मिलजुल के काजल जी के और जन बा प्रदीप भैया के है ना, बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिल रहा है कि भोजपुरी के हम उनके और आगे बढ़ावल जाओ बिल्कुल। अरे हम एगो कल प्रोमो देखत रहनी, कोई हमके पत्रकार भाई देखावत रहले पार्लियामेंट के सामने खड़ा रहनी कि कोनो फिल्म आवता अंग्रेजी में तो कर भोजपुरी में भी फिल्म आवता हो, वो फिल्म बनल बटे करीब 2200 करोड़ से 2200 करोड़ से फिल्म बनल बा, ओकर नाम का बटे हो अभी Avengers. नहीं नहीं अभी नया फिल्म रिलीज होके जा रहा भैया, बाकी नहीं नहीं बागी, पता नहीं वो इंग्लिश फिल्म बा और भोजपुरी में भी हो रहा बा, भोजपुरी में होकर वो आयल बा प्रोमो आयल बा, गर्व के बात दामनी के तो केकरा कारण आयल बटे यही समाज के कारण। यहाँ पे मुझे बोलने दीजिए, तो लोग
आपके मेहनत से आए, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप आज हम यहाँ बैठ चुके हैं, यहाँ बैठे हैं और इतना बोल भी रहे हैं, इतना बोला था नहीं जा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका देन है। सही बात, और किसी का देन नहीं है। बहुत अच्छा, फिल्म बहुत लोग बनाया, बहुत लोगों ने एंट्री किया, सब लोगों ने सब किया, लेकिन हवा आई तो मनोज तिवारी से ही आई। तब बुलावत करने तो हम आ जाते नहीं ना। सही बात, इधर सौभाग्य के बाद रास्ता खुला, जो इनकर मैसेज आए हम कह रहे ठीक बा होते नहीं, ये सौभाग्य के बात है भैया जी। यानी थोड़ा लेट पहुंचा हो, मैसेज पर तो जवाब देवही की चाहिए। काजल जी अभी शुभकामनाएं दे दीजिए होली की। हाँ, काजल पहले होली मिलन समारोह पहले बता दीजिए। एक एक काजल क्या आप लोग जानते बनी जामनी के इंडस्ट्री जी सारे हमारे दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज होली मिलन समारोह जो रितेश जी ने आज सेकेंड ईयर है, लास्ट ईयर भी करवाया था, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री आज यहाँ पे एक हुई है और होली खेल रही है। सो थैंक यू सो मच रितेश जी, आपने ये पहल की है और आज हम सब मिल रहे हैं। लेकिन मनोज सर ने होली नहीं खेलने का फैसला लिया है। क्यों? बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। नहीं खेल तो रहे, उन्होंने भी टीका लगाया है। टीका तो लगाया है। यस। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को आज? बस यही कहूंगी अच्छे से होली खेलिए और पानी ज्यादा वेस्ट मत करिएगा, और जिसे कलर से एलर्जी हो उसे जबरदस्ती कलर ना लगाए, और बस खुशी खुशी होली मनाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।